हेलो व्यूअर्स, तो आज की हम वीडियो में मराइजो का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। साथ में इसमें चेक करने वाले हैं कि फुल टैंक में मराइजो कितने किलोमीटर्स चलेगी। तो हमारी ड्राइव होने वाली है सिटी एज वेल एज़ हाईवेज़ में। तो अभी हम 2-3 दिन इसको सिटीज़ में चलाएंगे और फिर उसके बाद हम निकलेंगे हाईवे में देहरादून टू दिल्ली। तो देखते हैं कितने किलोमीटर्स ये फुल टैंक में कवर कर पाती है, उससे हम इसका माइलेज भी निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कट हो जाएगा ना? हो गया। बस तो अब हमने भरा लिया है, फुल करा लिया है जो फ्यूल टैंक है, और अब हम देखेंगे कि इसके कितने किलोमीटर्स हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। अभी इसमें दिख जाएगा 54764, 54764 जो है वो है इसका ओडोमीटर रीडिंग। गाइस अब हम देख लेते हैं कि इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी कितना दिखा रहा है। एवरेज माइलेज ये पिछली दिखा रहा है 15.7 किलोमीटर पर लीटर, और डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी दिखा रहा है फुल टैंक में ये 727 किलोमीटर चल जाएगी। तो इसको भी कर लेते हैं रीसेट, और हमारे जो 9 किलोमीटर्स हैं उसको भी ट्रिप कर लेते हैं। इसको कर देते हैं ज़ीरो, इसको भी कर लेते हैं ज़ीरो, सभी ट्रिप मीटर्स को ज़ीरो कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो अब जैसे जैसे जर्नी रहेगी हम चलेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे कि कितने किलोमीटर्स में हमारा कितना फ्यूल लगा, तो उससे एवरेज चेक हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ शिखा को, जो मेरी वाइफ है उसको लेने जा रहा हूँ दिल्ली। तो बाकी और कोई नहीं है गाड़ी में, मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली तक। तो 270 किलोमीटर्स दिल्ली में भी हम घूमेंगे, थोड़ा सिटी ड्राइव दिल्ली में भी रहेगी, और फिर हम 2-3 दिन वहाँ लगा के वापस आएंगे। तो चलिए चलता हूँ दिल्ली तक, दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे चल रही है गाड़ी। तो अभी तो थोड़ा बिजी है हाईवे ये, आगे जाके थोड़ा और बिजी होने वाला है। कहीं कहीं पे बिजी है, कहीं कहीं पे जो मेरठ से दिल्ली हाईवे है वहाँ पे तो बहुत ही, वहाँ पे तो 8 लेन रोड बन चुकी है, 8 लेन हाईवे बन चुका है, उस वजह से काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन रहती है। तो अभी हम तो गाइज अभी हम चल रहे हैं 6th गियर में। तो मोस्टली इस हाईवे में 5th to 6th गियर में चल रहे हैं। इससे पहले जो मैं सहारनपुर तक आया था उसमें 2 लेन हाईवे था, मतलब डिवाइडर नहीं था बीच में, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रोकना पड़ रहा था। 2nd, 3rd, 4th गियर में चल रही थी, तो उस वजह से भी आ सकता है थोड़ा इसकी फ्यूल इकोनॉमी कम। तो सारे मिक्स कंडीशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैंने इस गाड़ी मैराजो को हर कंडीशन में चलाया है, थोड़ा बहुत पहाड़ों में भी चली है, और ये देखिए कैसे गन्ने का पूरा ट्रक जा रहा है भर के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गिफ्टेड ट्रैवलर्स। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली देहरादून से, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम, और सामने काफ़ी अच्छा सनसेट होता हुआ दिख रहा है मुझको। तो गाइज़ अभी हम चल रहे हैं 6th गियर में। तो मोस्टली इस हाईवे में 5th to 6th गियर में चल रहे हैं। इससे पहले जो मैं
सहारनपुर तक आया था, उसमें 2 लेन हाईवे था, मतलब डिवाइडर नहीं था बीच में, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रोकना पड़ रहा था, सेकेंड थर्ड फोर्थ गियर में चल रही थी, तो उस वजह से भी आ सकता है थोड़ा इसकी फ्यूल इकोनॉमी कम। तो सारे मिक्स कंडीशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैंने इस गाड़ी को, मैराजो को हर कंडीशन में चलाया है, थोड़ा बहुत पहाड़ों में भी चली है, और ये देखिए कैसे गन्ने का पूरा ट्रक जा रहा है भर के। ये देवबंद क्रॉस हो रहा है, ये है देवबंद। अभी थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है क्योंकि सामने सनसेट हो रहा है, इधर से देख लीजिए, ये है देवबंद और ये है इसका फ्लाईओवर, पूरा देवबंद क्रॉस हो जाता है इससे। तो अभी हम बहुत अच्छी स्पीड में 80-90-100 चल रहे हैं, काफ़ी स्मूथली चल रहा हूँ मैं, गाने सुनते सुनते चल रहे हैं। अभी चल रहा है ये गाना शंकर महादेवन का, और टाइम पास करते हुए हम चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं दिल्ली। काफ़ी बार मैंने देहरादून दिल्ली किया हुआ है, 25-30 बार कर ही लिया होगा अभी तक, तो चलते हैं। यही है पिछले 2-3 दिन का फीडबैक। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देहरादून अपने घर, और अब हम देखने वाले हैं कि फ्यूल टैंक जो हमने किया था वो फ्यूल पूरे फुल टैंक में कितने किलोमीटर्स गाड़ी ये चली है। तो ये आ गया ओडोमीटर, तो 55,568, ये है ट्रिप ए दिखा रहा है, 803.7, 103.7 किलोमीटर्स ये चली है फ्यूल फुल टैंक में। तो अभी ये रिज़र्व में आ गई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड दिखा रहा है, इतना फ्यूल अभी इसमें बाकी है, 8-9 लीटर अभी इसमें बाकी होगा। हमने 27-28 लीटर्स डलवाया था फुल टैंक करने के लिए, उस टाइम इसमें रिज़र्व में नहीं थी गाड़ी, बट अब रिज़र्व में आ गई है। तो इसमें अभी 8 से 9 लीटर फ्यूल अभी रहेगा, तो हम देखते हैं कि अभी इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना दिखा रहा है। तो डिस्टेंस टू एम्प्टी इसमें अभी दिखा रहा है 161 किलोमीटर, इसका मतलब 161 किलोमीटर ये भी और चलेगी। अभी 103 चल गई है टोटल, इस ये चल रही है 950 किलोमीटर ये फुल टैंक में, अगर हम इसको मिक्स कंडीशंस में चलाएंगे, मीन सिटी एंड हाईवे कंडीशंस। 200-250 किलोमीटर ये सिटी कंडीशंस में चली है, और बाकी का 600 किलोमीटर ये टोटल हाईवे कंडीशंस में चली है, जो हम अभी देहरादून से दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस आए थे होली पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी ट्रिप रही है, पहले मैं दिखाऊंगा आपको दिल्ली से अभी देहरादून विकास नगर, दिखाता हूँ मैं आपको वो कैसे चेक करना है। तो हम पहले जाएंगे मेन मेन्यू में, मेन मेन्यू में जाने के बाद हम जाएंगे इको सेंस में, इको सेंस में जाने के बाद इसमें हम देख रहे हैं कि इंस्टेंट स्कोर और एवरेज स्कोर दोनों 100 आ रहा है, इसका मतलब हमने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई है। स्पीड, गियर सिलेक्शन, एक्सलेशन, आइडलिंग सब फुल है, इसका मतलब ये हर चीज़ हमने बढ़िया से चलाई है। पूरी गाड़ी ये देखती है कि आपके ओवरऑल जो आपकी ड्राइविंग है वो कैसी है, और उसको स्कोर देती है। इसको हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में भी शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। और अब ये है जो मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिप हिस्ट्री, ट्रिप हिस्ट्री में जाना है, ये है दिल्ली जहाँ से हम चले थे ब्लॉक ए, और ये है विकास नगर जहाँ हम हैं अभी। तो 4:51 PM पे हम शाम के 5 बजे चले थे वहाँ से, और यहाँ हम 9:53 PM, लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट है 2 मिनट ज़्यादा, 5 घंटे के अंदर हम आए हैं, जिसमें कि हमने 265.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था ब्लॉक ए से विकास नगर तक, ब्लॉक ए न्यू दिल्ली से। और फ्यूल इकोनॉमी रही है हमारी 18.9 किलोमीटर पर लीटर, टॉप
टॉप स्पीड, देखिए टॉप स्पीड हम गए हैं 146.0 किलोमीटर पर आवर, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम चले हैं। 62 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हम हमने की है, मतलब कहीं पे ट्रैफिक था रुके, कहीं पे ज़्यादा स्पीड में चले, तो ओवरऑल स्पीड हमारी एवरेज जो निकालेंगे वो निकलेगी 62.0। ये था जब दिल्ली से हम देहरादून आए हैं। आप और ट्रिप हिस्ट्री में जाते हैं तो ये है विकास नगर से, विकास नगर देहरादून से 4th एवेन्यू गौर सिटी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस रहा है 260 किलोमीटर्स का रहा है। फ्यूल इकोनॉमी लगभग 20 की रही है, 19.7। टॉप स्पीड 142 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड रही है, आते हुए रही है 146 और जाते हुए थी 142 किलोमीटर पर आर। और एवरेज स्पीड यहाँ पे कम रही है क्योंकि होली के दिन बहुत कम ट्रैफिक था, और जिस दिन हम जा रहे थे देहरादून से दिल्ली उस दिन नॉर्मल डे था, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, तो काफ़ी हमें टाइम लगा पहुँचने में। तो ये है, 2:30 बजे हम निकले थे और रात के 10 बजे हम पहुँचे। 2:30 बजे निकलने के बाद रात के 10 बजे, तो कितना हो गया, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, मतलब ये 4, 5, 6, 7, 7.5 घंटे हमें लगे हैं जाते हुए। तो ये रहा, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फ्यूल टैंक को फुल करवाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो 900 किलोमीटर पूरे लास्ट फ्यूल तक 900, 950 किलोमीटर चलेगी। तो जिसमें कि 45 लीटर्स इसमें फ्यूल आता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर बताते हैं कि कितना इसने एवरेज दिया है, एक्चुअल टैंक टू टैंक कितना एवरेज रहा है। तो गाइज हमने कैलकुलेट किया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना आया है इसका ओवरऑल सिटी एंड हाईवे कंडीशंस में एवरेज। जैसे कि मैंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ ड्राइविंग के अंदर, अलग अलग तरीके की गाड़ी चलाई हुई है, ऑल्टो से लेके अभी मराजो तक मैंने चलाई है, स्कॉर्पियो, i20, सब कुछ हमारे घर में रही हुई है। अभी इस टाइम मारुति की स्विफ्ट हमारे पास है और महिंद्रा की मराजो है, तो दोनों गाड़ियाँ हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो स्विफ्ट में भी सिमिलर माइलेज आता है, हल्का सा ज़्यादा आता है पेट्रोल में, बट फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से सिमिलर हमारा खर्चा आता है कोई भी डिस्टेंस जाने के लिए, और मराजो में भी उतना ही खर्चा, दोनों की गाड़ियों का सिमिलर लगता है। जबकि मराजो 3 टन की गाड़ी है और जो स्विफ्ट है वो 800 किलो की है गाड़ी है, और इतना डिफरेंस होने के बाद भी इतना 7 सीटर गाड़ी है ये, इतना वेट है इसके अंदर, इतने बड़े व्हील्स हैं, अलॉय है, चौड़े टायर है, सब कुछ लग्जरी इसमें भरी भरी है, सब कुछ भरी हुई है, हर टॉप मॉडल है ये। उसके बाद भी इस तरीके का एवरेज देना बहुत कमेंडेबल है। बस महिंद्रा को थोड़ा अपना आफ्टर सेल सर्विस और क्वालिटी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए अपनी गाड़ियों में, जैसे कि टोयोटा की गाड़ियाँ आती है, टोयोटा की गाड़ियों को 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी जो उसके ओनर्स हैं वो हर ओनर बहुत ही खुश रहता है और बताता है कि इसमें सिर्फ डीजल पेट्रोल जो भी डलता है वो डालो, टायर में हवा सही रखो और चलते रहो, गाड़ी चलाते रहो, कहीं भी चलेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। बट महिंद्रा में ऐसा नहीं है, महिंद्रा की गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती हैं टोयोटा से, मैं मानता हूँ, बट उन इंडियन मैन्युफैक्चर में इंडियन कंपनी होने की वजह से भी उनकी कॉस्ट कम रहती है। तो महिंद्रा को थोड़ा अपनी क्वालिटी में और आफ्टर सेल सर्विस और जो उनके मैकेनिक्स हैं, स्टाफ हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करानी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में, दिल्ली मुंबई में तो आपको अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के वहाँ पे वर्कशॉप मिल जाएंगे महिंद्रा के ऑथराइज, बट देहरादून जैसी जगह में एक या दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं सर्विसिंग कराने के लिए, बट जो कि वो उसमें उस तरीके से नहीं सही हमें सर्विस दे पाते हैं।
बहुत ज़्यादा इनके हाई लेवल पे पहुंचने के बाद, इन हाई लेवल कंप्लेन करने के बाद ही कोई आपका रेजोल्यूशन निकलता है। तो एक छोटा सा पार्ट नहीं ये बदलते, इनको बड़े बड़े पार्ट, बड़े खर्चे चाहिए होते हैं। गाड़ी में बड़ा खर्चा आएगा तभी वो सही करेंगे, छोटे मोटे इन सर्विस ये नहीं करते हैं, पार्ट्स ये नहीं सही करते हैं। तो जो कि गलत है, ऐसा लूटना नहीं चाहिए अपने ही इंडियन कस्टमर्स को, जो कि इंडियन कंपनी की वजह से ही ये लेते हैं। क्योंकि 18 लाख की ये पड़ी थी हमको, और 18 लाख में इनोवा भी आ जाती है, तो हम इनोवा में स्विच कर सकते थे, बट हमने अपनी इंडियन कंपनी को चुना। तो इसलिए इंडियंस को कम से कम इनको अच्छी सर्विस इंडिया के अंदर देनी चाहिए, तभी ये बाहर भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। टोयोटा एक जापानीज़ कंपनी है, यहाँ आके इतना अच्छा कर सकती है, तो महिंद्रा इंडिया में रह के उनसे ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। गाड़ियों को थोड़ा और रिलायबल बनाइए और अपनी आफ्टर सेल सर्विस को अच्छा करिए। एवरेज के मामले में मराजो नंबर वन है, इससे अच्छी कोई गाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी। इतना बड़ा, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा सब कुछ, फुल्ली लोडेड गाड़ी के ये एवरेज कमेंडेबल है। बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छा फ्यूल इकोनॉमी ये देती है। तो ये रहा हमारा जो फ्यूल टैंक, फुल टैंक में गाड़ी हमारी महिंद्रा मैराजो कितना चलती है वो मैंने आपको दिखाया, ओडोमीटर के सहित आपको दिखाया है, ताकि आप ये ना बोल सको कि ट्रिप मीटर एडजस्ट किया है। ओडोमीटर एडजस्ट नहीं होता, ट्रिप हो जाता है कभी, आप उसको स्टॉप कर सके, उसको चेंज कर सकते हैं, बट ऑडोमीटर आप चेक कर सकते हैं, शुरू में क्या ऑडोमीटर था, लास्ट में क्या ऑडोमीटर है। तो मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ, जो ऑडोमीटर है इसमें ट्रिप भी 803.7 ऑडोमीटर है, 55,568। तो आप चेक कर सकते हैं शुरू में कितना किलोमीटर्स में हमने फ्यूल टैंक जब फुल किया था तब कितना किलोमीटर था और अभी कितना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है हमें, और चलते हैं अंदर और इस वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज़। उसके बाद हम मिलेंगे आपको नई ऐसी किसी वीडियो में या किसी ट्रिप में। तो तब तक के लिए बी सेफ एंड एन्जॉय लाइफ।